आप लोगों को बोलूं एक ऐसा मिलेट जिसको आप अपनी डाइट में ऐड करो सिर्फ एक हफ्ते के लिए, चाहे आप उसकी रोटी बनाओ, चाहे खिचड़ी बनाओ, चाहे आप उसके कुछ भी तरीके के वैरायटीज में आप उसको यूज़ करो, और आपका एक हफ्ते के अंदर 4 किलो लूज होगा, आप मानोगे? रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर की स्टोरीज में पोस्ट किए थे। मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि वाओ कैसा, किधर, क्यों, कैसे कैसे हो रहा है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हैं जिनको मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट भी करना है, 3 से 4 ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने काफ़ी अपने क्लाइंट्स को 15 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ उस वाले मिलेट्स पे रखा था, और उस मिलेट का नाम है बाजरा। सिर्फ बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी पे रखा था, एंड रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। बाजरा सबसे स्ट्रॉन्ग मिलेट मैं सोचती हूँ खाने के लिए है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें एडेड है। बट सैडली बात यह है कि बाजरे की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। पूरे साल के सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हमें मिलते हैं इस मिलेट को अपनी डाइट में ऐड करने के लिए, दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी 15 तक, और उसके बाद हम इसको ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते। ये बेस्ट टाइम है बाजरे को अपनी डाइट में ऐड करने का और इसके बेनिफिट्स लेने का। सबसे फर्स्ट बेनिफिट इसका क्या रहता है, ये ग्लूटेन फ्री है। इसकी रोटी थोड़ी सी हार्ड बनती है बिकॉज ऑफ द जीरो ग्लूटेन, एंड सेकेंड इज उसकी जो खिचड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनती है। नेक्स्ट, जिन जिन लोगों को वीगन है और जिन जिन लोगों को लगता है कि हमारे पास प्रोटीन का सोर्स कम है, हम टोफू खा के थक गए हैं, हम पनीर खा के थक गए हैं, ब्रोकलीज खा के थक गए हैं, प्रोटीन शेक्स पे हैं, वो लोग डेफिनेटली बाजरा को अपनी डाइट में ऐड करिए। रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, बहुत सारे विटामिंस एंड मिनरल्स हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल का प्रोफाइल, विच इज़ लाइक योर लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हायर साइड पे है, आप बाजरा को रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड करेंगे, विद इन 30 डेज अगर आप अपना दोबारा टेस्ट कराएंगे, आपका ये बैक टू नॉर्मल दिखेगा या फिर 90% कम दिखेगा। अनदर पार्ट में यहाँ पे बात करते हैं जिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है। मेरी एक क्लाइंट है, उनका HbA1c आया था 11 विद इन 40-45 डेज के अंदर, जिनमें मैक्सिमम उनकी डाइट के अंदर मैंने ऐड किया था बाजरा, उनका जो रिजल्ट आया था HbA1c का शॉकिंग था, 6 और 6.1। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बाजरा। बाजरा एक ऐसी चीज़ है जो कि आयरन का बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है। अगर आपको स्टोन है, आप पत्ते भरी चीज़ें नहीं खा सकते, पालक हो गया हमारा, साग हो गया, बथुआ हो गया, इस सीज़न में आप नहीं खा पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोन, बाजरा को अपनी डाइट में ऐड करो, आयरन का बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है। जिन जिन लोगों को मैसिव हेयर लॉस है और जिन जिन लोगों का फैट बिल्कुल नहीं जाता, कितनी भी तरीके की डाइट कर लो, कुछ भी कर लो, आप कितना भी जीरो कार्ब पे चले जाओ, जीरो कार्ब पे जाना इज़ नॉट एट ऑल अ सॉल्यूशन। हमारे को सही कार्ब्स पकड़ने हैं, और वो सही कार्ब कौन सा है, बाजरा। नाउ आज की डाइट में हम बात करेंगे बाजरा के। नमस्ते जी एवरीवन, मेरा नाम है सुमन एंड वेलकम टू फैक्ट ऑफ हेल्थ। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक बाजरा का डाइट प्लान जो कि हम एक हफ्ते तक पूरा फॉलो करेंगे और उसके रिजल्ट्स का अपने आप में इंजॉय करेंगे। जिन जिन के घर में वेडिंग है, जिन जिन को फेस्टिवल्स अटेंड करने हैं, या जिन जिन को न्यू ईयर पार्टी पे भी जाना है और वो सोचते हैं कि यार मैं डेफिनेटली अपने आप को पूरा चेंज करके जाऊं और मुझे बहुत अच्छा दिखना है, आपको ये डाइट को 7 दिन देना ही पड़ेगा। और इसके बाद मेरी गारंटी है ऐसे कैसे वेट लॉस नहीं होगा। 7 दिन की डाइट के अंदर यू कैन ईजली लूज 3.5 to 4 kgs, एंड दिस इज़ माई गारंटी। मैं क्या करती हूँ, वेट लॉस तो मैंने कर लिया है, अप एंड डाउन में अपनी डाइट के साथ खेलती रहती हूँ। जब मुझे कोई इवेंट पकड़ना होता है ना, और जिसमें मुझे लगता है कि वाओ देखने वाली फीलिंग चाहिए मुझे, तब मैं ये डाइट पकड़ लेती हूँ, और वो भी स्पेशली इन विंटर्स। सो आज की वीडियो में हम बात करते हैं बाजरा की डाइट, एंड दैट विल रियली गिव्स यू अमेजिंग रिजल्ट एंड अ पतली कमर जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखते हैं। एंड जिन जिन लोगों का वेट ऑलरेडी बहुत शेड हो चुका है बट स्टिल उनकी पतली कमर नहीं आई है, फ्लैट बेली नहीं आया है, जिनको विंटर्स में क्रॉप टॉप पहनना है, लो वेस्ट डेनिम पहन के ऊपर जैकेट कैरी करना है, उन लोगों के लिए ये डाइट है। सो अब हम बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की, एंड बाजरा को किस तरीके से हमने अपनी डाइट में ऐड करना है। ये डाइट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टिप्स की बात कर लें। नंबर 1, यू हैव टू चेक योर वेट एवरी सिंगल डे, तभी पता चलेगा कि डाइट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, और अपने इंचेस को नापना मत भूलना। सुबह वेट कैसे चेक करना है, सुबह उठना है, वॉशरूम यूज़ करना है, पॉटी आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया जस्ट पास योर यूरिन, रिमूव योर क्लोथ्स एंड देन चेक योर वेट। सेकेंड इज आपने अपनी नींद का ध्यान रखना है, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्क करना है, एंड लास्टली जो मैं 7 साल से बोल रही हूँ, मील्स के टाइमिंग पे ध्यान रखना है।
स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में हम लेंगे जूसेस। विंटर्स हैं, जूसेस को प्लीज अपनी डाइट में ऐड करो यार, अपनी स्किन अच्छे करो, बाल अच्छे करो। एंड मॉर्निंग का जूस हमारा क्या होगा, रेड जूस ले सकते हैं, येलो जूस ले सकते हैं, ग्रीन जूस ले सकते हैं। ये सारे जूसेस में से कोई भी एक जूस आप पिक करेंगे। ब्रेकफास्ट सबसे हैवी मील होता है हमारी डाइट का, उसमें हम ऐड करेंगे बाजरा। और ब्रेकफास्ट के लिए हम बनाएंगे या तो बाजरा की रोटी, और वो बनानी कैसे है बहुत ही सिंपल है, चलते हैं किचन में। ओके, अब हम बनाने जा रहे हैं बाजरा की रोटी। ये रहा मेरे पास बाजरे का आटा। दो रोटी के लिए, दो फुलकों के लिए एक कटोरी आटा बहुत है। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डाल लेंगे ताकि एसिडिटी से थोड़ा सा बच जाए। मेरी अजवाइन, नेक्स्ट ये रहा जी हमारा हिंग पाउडर। अब सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे गरम पानी, मेक श्योर ज़्यादा ना डाला जाए। गरम पानी डाला, अच्छे से इसे हमने मिक्स करा। थोड़ा सा और गरम पानी डाला, अब दो मिनट के लिए इसे एज इट इज ढक कर रख दिया। ओके, अब जो ये आटा है ये मेरा बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी। इसको हम लेंगे दो फुलके के लिए। ये रहा हमारा एक फुलका और ये रहा हमारा दूसरा फुलका। मेक श्योर आप बेलने से पहले नीचे कपड़ा बिछा लें तो ये बड़ा आसानी से बेल जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। रोटी की शेप देने के लिए हमने यूज करा है एक शेप देने के लिए एक बर्तन। बिना शेप की रोटी खाने में मजा नहीं आता, फील नहीं आती है ना सुनना। ये रही हमारा रोटी, इसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा घी एंड इट्स रेडी। ये रहा हमारा होल मील, बहुत ही हेल्दी ग्लूटेन फ्री ब्रेकफास्ट। दाल के साथ, कोई भी सूखी सब्जी के साथ ले सकते हैं, साथ में थोड़ी सी सैलेड एंड हमारी रोटियां। ओके, नेक्स्ट अब हम बनाते हैं बाजरा की खिचड़ी। नाउ बाजरा की खिचड़ी सच अ हेल्दी होलसम मील एंड इट्स रियली सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कैसे बनाना है चलते हैं किचन में। ये है हमारा बाजरा, पर्ल मिलेट कहते हैं हम इसे, और ये ना साबुत बाजरा है। अब हम इसको पहले ग्राइंड करेंगे खिचड़ी बनाने के लिए। तो ये रहा मेरा ग्राइंडर, इसमें मैंने डाले बाजरा और हम इसे थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा। ओके, अभी हमारी खिचड़ी बनने के लिए तैयार है। अगर हम साबुत बाजरा डालेंगे तो वो बहुत टाइम लेता है बनने में और वो अच्छे से कुक भी नहीं होता। सो ये बिल्कुल रेडी है अब। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया कुकर, इसमें मैंने डाला ऑयल ना, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा जीरा। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी, यहाँ पर मेरे पास है हिंग पाउडर। नेक्स्ट मैं ये रही मेरे प्याज, नेक्स्ट ये रहे मेरा पिसा हुआ बाजरा, मैंने डाल दिया मेरा पिसा हुआ बाजरा। ये रही मेरे पास दाल, ये है मेरे पास ग्रीन मूंगे की दाल छिलके वाली, दो चम्मच जितनी दाल मैंने इसमें डाली है। ओके, अब हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहली चीज़ हमारा नमक, नेक्स्ट हल्दी पाउडर, नेक्स्ट सूखा धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा जीरा पाउडर। इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और जल्दी बनने के लिए इसके अंदर अब हम डालेंगे गरम पानी। बाजरे का जो चूरमा बनता है वो तो और ही स्वाद है। ये डाल दिया मैंने गरम पानी,
दो गिलास जितना, क्योंकि ये दो से तीन बंदों के लिए मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूंगी। अब हम इसे विसल लगाएंगे। पहला विसल होगा तेज आंच पे, रेस्ट के तीन से चार विसल होंगे सिम आंच पे। ओके, सो हियर वी गो। खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़े से हमारे प्याज, थोड़ा सा नींबू, ऑप्शनल है लेमन आपका, रेडी। नेक्स्ट, ये दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज आप 7 डेज के लिए अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग है 9 बजे तक खत्म हो गया। नाउ मिड ब्रेकफास्ट आएगा हमारा 10:30 से 11 बजे के बीच में। मिड ब्रेकफास्ट के अंदर हम लेंगे कोई भी सीजनल फ्रूट, या तो आप ग्रेप्स ले सकते हो, बहुत अच्छे मार्केट में आए हैं, स्ट्रॉबेरीज ले सकते हो, मार्केट में बहुत अच्छे आए हैं, और इसके साथ हम लेंगे कोई भी एक कप हमारी फ्लेवर्ड ग्रीन टी, या तो आप रोज पेटल ग्रीन टी लेंगे, या आप लेमन ग्रास ग्रीन टी लेंगे, या फिर आप शतावरी की भी टी ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लंच की। नाउ जब हम बाजरे की बात कर रहे हैं, ग्लूटेन को छोड़ ही रहे हैं, तो थोड़ा हाई प्रोटीन पे भी आ जाते हैं। लंच में हम लेंगे सारे हाई प्रोटीन सैलड्स। नाउ मेरे चैनल पे बहुत सारे सैलड्स हैं दाल के, चना सैलड है, राजमा सैलड है, लोबिया सैलड है, दाल सैलड है, स्प्राउट सैलड है, जितनी भी सैलड्स हैं दालों से रिलेटेड, ये एक हफ्ता आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है। इसमें बेस्ट पार्ट पता क्या है, हमारे राजमा, छोले, हमारे ब्लैक चना तो है ही, उसके साथ साथ सैलड बहुत ज़्यादा है जिसके अंदर है खीरा, प्याज, टमाटर एंड लेटस। ये सब ना फाइबर का बहुत रिच सोर्स है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, और आपको जो प्रोटीन मिलेगा वो तो अलग ही है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। नाउ इवनिंग टी के अंदर मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी पील टी, किसी भी प्रकार का कोई भी पील टी मेरे चैनल पे है। हमारे पास पाइनएप्पल का पील टी है, लेमन पील टी है, मेरे पास ऑरेंज का पील टी है, संतरे का पील टी, आप वो भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ आप मुट्ठी भर मखाना, या फिर मुट्ठी भर पीनट, या फिर मुट्ठी भर भुना चना आप अपनी डाइट में लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, या फिर गलती से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आप इन पील टी के साथ बाउल ऑफ पपाया ऐड करेंगे। बात करते हैं जी डिनर की। एंड डिनर में हम यहाँ पर लेंगे सिर्फ और सिर्फ सूप्स। नाउ सूप मेरे चैनल पे बहुत सारे, रिसेंटली मैंने डाला था ड्रमस्टिक का सूप, टमाटो सूप, पम्पकिन सूप, कैरेट एंड एप्पल सूप, एंड उसके अलावा हमारा क्लियर सूप, या फिर मेरे पास यहाँ पे आप लोगों के लिए हमारा डिटॉक्स का सूप। ये सारे सूप्स की वीडियोस मेरे चैनल पे है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सिर्फ और सिर्फ सूप लीजिएगा। एंड अनदर पार्ट, अगर आप ऑफिस जाते हैं, सूप को मिल्टन के टम्बलर में बना के लेके जाएंगे, एंड डिनर के टाइमिंग पे ध्यान देंगे, 6:30 to 6:45 के बीच का हम टाइमिंग चूज करेंगे। 7 बजे को क्रॉसिंग कतई मत करना डिनर से पहले। एक और चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, सूप्स के अंदर ना हम बिल्कुल सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करो ना, बॉडी कब तक कम्फर्ट जोन में रखोगे आप, कब तक टेस्ट पर जाओगे। अब आती है बात नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक के अंदर हम लेंगे त्रिफला पाउडर, आधा चम्मच त्रिफला पाउडर आधे कप पानी के अंदर मिक्स करके पियेंगे, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग गुड टू गो, आपका कम से कम 500 ग्राम जाएगा ही जाएगा। एंड पानी का ध्यान रखना है, 3.5 लीटर पानी आपने पीना ही पीना है, वो भी सिप सिप करके। 6 बजे तक पानी ख़त्म करेंगे, 6 बजे के बाद शाम के जितना रिक्वायरमेंट है उतना पानी पियेंगे, गट 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 करके। 1.5-2 लीटर रात को पानी मत पी लेना, सुबह उठ के वेट गेन आएगा। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल, एंड ये ट्राई करेंगे, 7 दिन के अंदर 4 kg लूज करेंगे, और इंस्टाग्राम पे मुझे अपनी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर शेयर करेंगे। सो दैट्स इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिन जिन लोगों को लगता है कि उनका वेट नहीं शेड हो रहा, स्टक है, स्टबन है, नहीं जा रहा यार, कुछ भी ट्राई कर लो, मैंने सैंडविचेस खा के देख लिया, मैंने कार्ब्स छोड़ के देख लिया, मैंने फैट छोड़ के देख लिया, ट्राई दिस डाइट, डेफिनेटली हिलेगा। 7 साल के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। टेक केयर जी, बाय बाय।